सेम टॉपिक डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है एक क्रिकेटर स्कोर्स द रन्स इन एट इनिंग्स। नंबर दिए फाइंड द मीन एंड मीडियन, इसमें भी मीन और मीडियन फाइंड करना। और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको मीन और मीडियन। तो फाइंड द मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन यानी तीनों क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन फाइंड करते हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं आपको और बताते हैं मीन और मीडियन निकालने के लिए। जैसा क्वेश्चन नंबर वन होगा, अब इसमें हमारे पास एट इनिंग दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसमें एट दी गई है तो यहाँ पर एक ईवन नंबर, जब मीडियन निकालेंगे हम तो ईवन नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जब हमारे पास सेवन है तो यहाँ पर जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वही इसमें लगाएंगे मीडियन के लिए। ओके, देखिए ध्यान से। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ फर्स्ट फाइव होल नंबर। तो सबसे पहले हमें होल नंबर लिखना है। तो फर्स्ट फाइव होल नंबर कौन से हैं हमारे पास? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट है तो यानी शुरू से स्टार्ट होना, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 होल नंबर हो गए। अब निकालेंगे मीन सबसे पहले। तो मीन का फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें इसको सबको ऐड करना है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 / 5, 1 2 3 4 5 है टोटल का लेते हैं इसका। 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10, 10/5 आंसर हो गया। मीन कितना आ गया इसका। अब मीडियन निकालना है तो मीडियन देखेंगे हम। तो मीडियन में सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखेंगे ये, तो हम फिर भी लिख लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक, अब n की वैल्यू निकालते हैं तो n इक्वल कितना हो, 1 2 3 4 5 है और 5 इज द ओड नंबर। अब इसका ओड नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन में, मीडियन इक्वल n अप प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू है 5 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि हो गया 6/2 इक्वल 6/2 के मतलब हो गया 3। अब 3 नंबर पे कौन सा आया, 1 2 3, कितना आया 3 आया, 2 आ गया। तो इसके मीडियन कितनी हो गई 2। 6 ऑब्जर्वेशन 6/2 काट देंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लगेंगे यार। तो ये आपको होमवर्क में करना और मेरे नंबर पे सेंड कर देना आपको। ओके, बंद करो।